अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल साजिद पिजन फैमिली। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर हो, आफिया से होंगे। तो आज आपको मिलवाते हैं शाहद भाई से। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक जी दोस्तों, नया सेटअप शुरू किया है बर्ड्स का। नया सेटअप है ये ब्रीडर, और ये नई पेयरिंग की है बिल्कुल। तो आज ये रिंगे वगैरह डालनी थी इनको, मैंने कहा चलो दोस्तों को भी साथ शो करवाते हैं। चले जी, अब आपको शौक भी करवाते हैं और रिंगे भी डालते हैं। ये जी सबसे पहले पेयर है जी, इसको इनको एक नंबर देंगे जी, साथ साथ आपको शौक भी करवाते हैं और रिंगे भी डालते हैं। नहीं दोस्तों, ये बड़ा कबूतर है हमारा, मेरा ये आइज है जी इसकी। आइस क्लोज अप करो थोड़ा यार। जी दोस्तों देखिए कैसा चेहरा मोरा इसका, कितना खूबसूरत है। ठीक है, और ये बड़ा रिजल्टर कबूतर है, ये 3-4 सीजन बहुत अच्छा उड़ा हुआ है हमारे पास। ये अभी इसके पाँव में रिंग भी है नंबर की, ये मेरे नंबर की रिंग है। तो ये इसको उड़ा के हमने लगाया है ब्रीडिंग सेटअप में, इसको लेके आए हैं। अभी इसको हम नंबर दे रहे हैं, एक नंबर नहीं, वो पार बस्कुए लगे हुए हैं इसको। तो दोस्तों इसको सेफ्टी पिने लगाई हुई हैं, क्योंकि ये हम नया इधर सेटअप अभी बनाएंगे। तो अभी ये एक कावक रखी है 4 खानों की, अभी सिर्फ 4 पेयर हैं। तो इंशाल्लाह ताला इधर पूरा प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप बनाएंगे, और उसके बाद आप दोस्तों को हर नस्ल के कबूतर अवेलेबल होंगे, दोस्तों को बच्चे भी मिलेंगे। जिस नस्ल के भी बच्चे वो चाहिए होंगे उनको, तो इंशाल्लाह ताला इस सेटअप से मिलेंगे वेरी सून। जी दोस्तों, ये साथ इसके टैडी मादा है, ये आपको पूरे पेड़ का शो करवाते हैं। ये एक नंबर पेयर है जी हमारा, इसको एक नंबर दी है। अभी ऐसी शौक आपको करवा रहे हैं क्योंकि ये कॉबक में लगे हुए हैं जोड़े। ये दोनों का करवा दिया आपको शौक, ये दोनों का आइज क्लोजअप दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मादा है टैडी, और ये साथ ये नर है। इसकी आइस भी दिखा देते हैं आपको, ये क्रॉस जोड़ा लगाया है उड़ाने के लिए। और दोस्तों अपनी कीमती राय भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, अब शो करें इसका पेयर का। ये है हमारा एक नंबर पेयर। वो दोस्तों ये दूसरा पेयर है, दो नंबर पेयर जी। ये देखें, ये अब आपको पकड़ के शो करवाते हैं पेयर का। ये देखें दोस्तों, ये नार है, ये कलर है इसका बुरा। इसका आइज क्लोजअप आपको दिखाते हैं जी। नहीं, ये इसकी आइज है, और ये इसके परों को भी सेफ्टी बिने लगी हुई हैं। तो ये फिर भी इसके बारी वाले 3 परों का शो करें। ये बहुत ही खूबसूरत कबूतर है और बड़ा लाजवाब है, इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। अभी ये न्यू पेयर लगाए, पहले ये उड़ने वाले सेटअप में थे, अब इनको निकाल के ये ब्रीडिंग सेटअप में लेके आए हैं। तो जैसे ये इनके बच्चे निकलते हैं, बड़े होंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर किया करेंगे जो भी उनका रिजल्ट हुआ। ये दोस्तों अब आपको इसकी फीमेल का शो करवाते हैं, मादा का। लें जी दोस्तों, ये कलर देखें इसका, इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत मादा है ये। चले आप आपको इसकी आइज़ का शो करवाते हैं जी। ये देखें इसकी आइज़,
देखिए कितनी शानदार आँख है इसकी। जी इसके भी बाइज वाले तीन पार। ये टेल देखें इसकी कितनी शानदार है। नहीं जब आपको पूरे पैर का भी शो करवाते हैं छोड़ के। माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। चलें ये दोस्तों इसको रिंग हम डाल रहे हैं दो नंबर। ये दो नंबर जोड़ा हो गया जी हमारा। अब आपको तीन नंबर जोड़े का शो करवा रहे हैं जी। लें जी दोस्तों माशाल्लाह ये तीन नंबर पेयर। ये उसका नर है जी। ये बिल्कुल सादा सा कबूतर है फैसलाबादी जोंसरा। फैसलाबादी जोंसरे हम बोलते हैं इनको। चलिए अब आप इसको इसकी आंख आइज का शो करवाते हैं जी। ये देखें दोस्तों इसकी आंख में ज़रात। जी दोस्तों देखें ये कितना खूबसूरत है। इसका प्रॉपर कलर देखें सारा। जैसे जैसे ये होता जाएगा ना इसकी एज बढ़ती जाएगी ये जो ऊपर इसके है ना ये गहरे होते जाएंगे ये धब्बे ब्लैक कलर के। और ये इसके भी तीन पार देखे जी। ये दोस्तों बच्चों की वजह से ना सेफ्टी पिनें सभी को लगाई हुई हैं क्योंकि बड़े कीमती कबूतर हैं ये। ये जी टेल देखें इसकी कैसी है देख लें पकड़ी हुई बिल्कुल एक पार। चलिए अब आपको इसकी फीमेल का शो करवाते हैं जी। दोस्तों ये सादा सी वादी है ये फीमेल है उसके साथ लगी। चलिए अब आपको इसके आइज का शो करवाते हैं जी मादा का भी। बिल्कुल इसकी पलकों के जैसी ही इसकी आइज का कलर है। सारा कलर है जिसका। ये जो फीमेल है ये भी हमारे पास उड़ी हुई है तो इसको तीन स्टम्पे चार स्टम्पे इसने खाई हैं और जेठ में ये अभी तक भी इसके हैं ये मार्क। ये देखें स्टम्प ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अभी तक लगी हुई है इसके ये जेठ में। ये ओवर टाइम होगी उसके बाद इसको हमने रोक लिया। ये जब भी उड़ाते हैं तो इसकी परवाह शाम रात के बाद की है। अभी लाइटें भी नहीं लगी हुई थी प्रॉपर उसके बावजूद ये घर बैठती है। ये देखें ये तीन नंबर पेयर होगा। मादा शर्मा रही है। चलें अभी आपको चार नंबर पेयर का भी शो करवाते हैं। ये चार नंबर जोड़ेगी मादा है जी। ये टैडी मादा है इंतहाई शानदार। इसका चेहरा मोरा देखे कितना खूबसूरत है। अब आपको इसकी आइस का क्लोजअप दिखाते हैं जी। आइस क्लोजअप ये दोस्तों इसका फेस देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। इस मादा का नाम रखा हुआ है मैंने मीम इसकी खूबसूरती की वजह से। ये दोस्तों अब आपको जो इसके साथ नर लगा हुआ है उसका शो करवाते हैं जी। दोस्तों ये नर लगा हुआ है उसके साथ ये बड़ा सियालकोटी बटेरा कबूतर है जी हमारा। ये वो टैडी मादा के साथ लगा हुआ है। इसकी आइज का क्लोजअप दिखाते हैं आपको।
ये देखें जी कितनी शानदार आँख है इसकी। बहुत ही नया कबूतर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। ये दोस्तों कटा हुआ है कबूतर, आपको छोड़ के पूरे पैर का शो करवाते हैं। ये है माशाल्लाह पूरा पेयर। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये चारों पेयर बहुत अच्छे लगे होंगे, और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पेयर सबसे अच्छा है, और आगे फ्यूचर में इनके जब बच्चे निकलेंगे तो उसकी भी वीडियोस आपको मिला करेंगी, क्या परफॉर्मेंस उनकी आती है। तो आप दोस्त कमेंट करके बताएँ कि इन चारों पेयर में से किस पेयर का बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छी परवास देगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।